वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके YouTube चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राथमिक के लिए अगस्त में आने जा रही है, यानी इसका विज्ञापन जो है अगस्त में आने वाला है। और इसके लिए जो इसके मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने आदेश दे दिए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ बताया हुआ है कि मुख्यमंत्री जी की यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पहली प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगला 2019 चुनाव देखना है यूपी में लोकसभा का, ठीक है। तो उसके लिहाज पे भी ये भर्ती प्रक्रिया के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और ये भर्ती प्रक्रिया अगस्त में आएगी। और जो मैं बता दूं, 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 30 जुलाई को संभावित है आने के लिए, यानी डेट दिया गया है। तो उसमें हो सकता है कुछ 2-4 दिन डिले हो जाए इधर उधर, यानी अगस्त के फर्स्ट वीक तक फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर कॉपी जो है मार्किंग आपकी हो रही है, अगर जल्दी हो जाएगी तो 30 जुलाई को ही रिजल्ट दे दिया जाएगा। यानी लेटेस्ट अगर रिजल्ट की मैं बात करूँ 68,500 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा रिजल्ट की, तो आपके या तो 30 जुलाई या तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। और इसके लिए विज्ञापन जो आना था 68,500 शिक्षक भर्ती का, वो आपके अगस्त मंथ में श्योर आ जाएगी। और एक बात आप मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग जो है अक्टूबर लास्ट या फिर आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में हर हालत में हो जानी है, ठीक है। तो आप अपनी नियुक्ति से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप अपने आप प्रिपेयर्ड कर लीजिए। अगर किसी के नाम वगैरह में कोई त्रुटि है कि हाई स्कूल में सर्टिफिकेट में स्पेलिंग में कहीं एरर है, इंटर में कुछ और एरर हो रही है, ठीक है ना, तो इसके लिए आप एफिडेविट वगैरह जो है फाइनली तैयार कर लीजिए, ताकि ये ना रहे कि नियुक्ति के टाइम आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहे। तो आगे इसी प्रकार की अपडेट जो भी रहेगी 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा की या इसके विज्ञापन की, मैं आप लोगों को देता रहूँगा। आपकी मैं पेपर कटिंग भी दिखा दूँ जो आज के हिंदुस्तान पेपर, अमर उजाला पेपर में दी गई हुई है। सेम वही बात है जो मैंने बताई हुई है आपको इसमें भी, ठीक है ना, कि इसके अपर मुख्य सचिव आ गए हैं नए, डॉक्टर प्रभात कुमार जी हैं, अभी 3 दिन पहले ही आए हुए हैं। तो ये अपना बहुत एक तरीके से चुस्त दुरुस्त काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी प्रोसेस में सारी प्रक्रियाओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ जानकारी दी हुई है, ठीक है। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट 30 जुलाई को आपका आने का डेट दिया हुआ है। तो अगर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो 30 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। और यदि मान लीजिए कुछ डिले होता है तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक श्योर है रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त में ही आपके 68,500 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे के लिए जो भी कोई अपडेट होगी मैं अपडेट आप लोगों को कर दूंगा। आज के लिए बस यही इतना। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसे संबंधित अपने व्हाट्सएप और एफबी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।